नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक बहुत ही नई और यूज़फुल सी रेसिपी लेकर आई हूँ किचन में। यहाँ पर आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी कढ़ी, और इस कढ़ी को दो तरीके से बनाने वाली हूँ मैं। यहाँ मैंने कटहल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गर्मियाँ हैं और इस समय कटहल आ रहा है मार्केट पे, और जिन लोगों को कटहल पसंद है ना, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। तो एक लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है कटहल, तो कटहल को छील कर अच्छे से साफ़ करके मैंने यहाँ पर रख लिया है, और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम यहाँ पर कटहल को कुकर में डालेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और एक सीटी आने तक इसको बढ़िया सा पका देंगे। बस एक सीटी लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लगेगी तो ये घुट जाएगा कटहल। तो यहाँ पर मैंने एक सीटी लगा दी है, और एक सीटी लगाने के बाद हम कटहल को साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, चावल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा या महीन वाला। तो चावल जैसे ही भीग जाएंगे, इसका पानी निकाल कर इसको हमें पीस लेना है। तब तक मैं यहाँ देख लेती हूँ कटहल हमारा कितना अच्छे से बॉयल हो गया है। ये देखिए कटहल पक गया है, पानी को हटा देंगे और कटहल को यहाँ हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे साइड में, ताकि इसका मॉइस्चर चला जाए। क्योंकि हमें यहाँ पर दो तरह से इस कटहल को बनाना है, या कह लीजिए इसका हम ब्रेकफास्ट भी बना लेंगे और लंच में भी इसको हम खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को डाल दिया मिक्सी के जार में। आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, और उसके बाद इस चावल को हमें पीस लेना है, यानी कि हमें इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया, बाउल में डालेंगे हम बेसन, और बेसन में डालेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, साथ में अमचूर पाउडर ले लिया 1 चम्मच। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। हल्दी पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, मिर्ची स्वाद के अनुसार ले लीजिए जितनी भी आपको पसंद है, नमक भी स्वाद के अनुसार जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर मैं हींग डाल रही हूँ, और 1/2 चम्मच अजवाइन। जब भी हम कोई बेसन की चीज़ बनाते हैं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालिए, और साथ ही ये कटहल भी है, कटहल की भी तासीर थोड़ी सी बादी होती है। अब जो चावल का हमने यहाँ पर पेस्ट बनाया था, उसको हम डायरेक्ट ये बेसन में डाल देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, ये ज़रा भी पतला नहीं होगा, क्योंकि चावल है। और यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का भी हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो चावल से ही बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं उसको अच्छे से फेंटती जा रही हूँ। इसका हमें बहुत अच्छे से इस तरह से रनिंग बैटर बना लेना है। इसमें लगभग 1 कटोरी बेसन में 1 गिलास पानी भी चला गया, और जो हमने चावल पीस कर डाले थे वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बस हमें इसे बहुत अच्छे से फेंट देना है चम्मच की सहायता से। अब हम डाल देंगे यहाँ पर ढेर सारा हरा धनिया। तो ये चला गया हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब कढ़ाई में लेंगे तेल। तो तेल मैंने यहाँ पर सरसों का लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर बेसन डालकर हमें उसे चेक कर लेना है। अब ये करेंगे, ये जो हमने इस तरह से कटहल के पीसेस रखे हैं ना, उनको हम बेसन में डिप करेंगे, जो बेसन और चावल का पेस्ट बनाया है, और इस तरह से डिप करके उसको हमें यहाँ पर अच्छे से गर्म तेल में डाल देना है। आँच को मीडियम कर दीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ आँच होगी तो फिर ये क्रंची नहीं होंगे और चीमड़ टाइप के हो जाएंगे। तो उस तरह के हमें पकौड़े यहाँ पर तैयार नहीं करने हैं, हमें थोड़े से क्रंची पकौड़े तैयार करने हैं, जो अंदर से सॉफ्ट रहें और ऊपर से क्रंची हो जाएं। तो यहाँ पर हम उतने डाल देंगे जितने कि हमारे कढ़ाई पे आ जाएंगे। आँच को मीडियम रखिएगा, और इसको मीडियम आँच पे ही हमें बहुत अच्छे से सेक लेना है, जब तक ये बढ़िया से गुलाबी नहीं हो जाते हैं। तो ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं, इस तरह से पलटते जाइए कलछी की सहायता से, तो ये बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। लीजिए हमारे पकौड़े सिक कर तैयार हो गए हैं। तो ये एक कटहल की रेसिपी हो गई। इनको हम एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, सॉस के साथ, क्योंकि इस समय पर गर्मियां हैं और बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है किचन में, गर्मी तो लगती ही है सभी को। तो कुछ ऐसा ना बना लिया जाए जो नाश्ते में भी हो जाए और जिसे हम लंच में भी खा लें।
तो हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं और इन पकौड़ों को हम चाय के साथ इंजॉय करेंगे। अब इसी पकौड़े से मैं दूसरी एक लंच के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़े हमारे बढ़िया से सिक गए हैं, तो बच्चों ने ये आधे से ज़्यादा तो इसी तरह से ख़त्म कर दिए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं ना, उनको भी ये पकौड़े बहुत पसंद आएंगे, और जो कटहल प्रेमी हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो ऊपर से हरा धनिया डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए और लीजिए, कटहल की एक रेसिपी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब ये यम्मी से पकौड़े भी आप देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पकौड़ों को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है और दही ये थोड़ा सा जमा हुआ दही है, क्योंकि मैंने इसे घर पे ही जमाया है। अब इसको हमें एक सा करना है, तो क्या करें, एक सीक्रेट बताती हूँ मैं आपको। मिनटों में ये दही स्मूथ हो जाएगा और कढ़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आज हम कटहल की कढ़ी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसन को हम, यहाँ दही को मैंने इस तरह से डाला है, सॉरी मैंने बेसन बोल दिया है, तो दही को यहाँ पर डाल देंगे। उसमें डालेंगे हम बेसन, तो मैं यहाँ पर लगभग 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ आधा केजी दही में। तो यहाँ पर मैंने आधा केजी दही लिया, उसमें डाल दिया 3 चम्मच भरकर बेसन, और डालेंगे यहाँ पर हम 1 गिलास पानी, क्योंकि दही हमारा खट्टा है। तो यहाँ 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम बढ़िया सा मिक्सी के जार में घुमा देंगे ढक्कन लगाकर। तो इससे होगा क्या, बेसन भी बहुत अच्छे से फिट जाएगा, कोई लम्स नहीं आएंगे, और दही तो हो ही जाएगा बिल्कुल छाछ के जैसा। ये देखिए बनके तैयार हो गया ना बढ़िया सा हमारा छाछ बेसन वाला, और कोई लम्स नहीं है बिना झंझट के। तो जो भी मैं बताती हूँ ईजिली बताती हूँ कि ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। अब यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले रहे हैं, उसमें डालेंगे हम यहाँ पर मेथी दाना, क्योंकि कढ़ी को मेथी से ही छौंका जाता है हमारे यहाँ। मेथी दाना डाल दिया, मेथी दाना जैसे ही चटकने लगेंगे यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च, बाकी हम तड़का बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी करी पत्ता की लीव्स ली है, उसको अभी मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए, और बाकी की मैं डालूँगी जब मैं कढ़ी को फ्राई करूँगी ऊपर से। तो यहाँ पर हमारे करी पत्ता भी बहुत अच्छे से इस तरह से हो गए हैं। अब डाल दिया मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर 1 चम्मच भरकर, साथ में आधा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि ये बहुत ही चटपटी सी बनती है। मिर्ची ली है मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से इस तरह से तेल में भून लेना है बिना पानी की सहायता से। यहाँ पर हम तेल में भून देंगे। नमक अभी मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, नमक का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। जैसे ही मसाले हमारे भून जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने छाछ का बनाकर रखा है दही के साथ घोल। तो ये लीजिए यहाँ पर डालते जाएंगे और इसको बराबर हमें कलछी की सहायता से चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना बैठे और चिपके ना तली में। तो यहाँ पर बढ़िया सा इसको मैं चलाती जा रही हूँ, और जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाएगा इसे हमें बराबर इसी तरह से चलाते हुए ही पकाना है। इससे बहुत ही अच्छे से कढ़ी हमारी स्मूथ बनती है और पकती भी बहुत अच्छे से है, बेसन के किसी तरह के लम्स नहीं आते हैं। ये देखिए इसको मैंने लगातार बस 5 मिनट चलाया है और इस तरह से हमारी कढ़ी का जो घोल है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें बढ़िया सा उबाल नहीं आ जाता है, और मैं आपको दिखाऊंगी क्वांटिटी कितनी कम हो जानी चाहिए। कढ़ी जब तक बढ़िया से पकी हुई नहीं होती है तब तक कढ़ी में उतना टेस्ट नहीं आता है। कढ़ी तो वही होती है ना कि इस घर में बने और दूसरे घर में उसकी खुशबू आए कि कहीं कढ़ी बन रही है। अब जब इसमें उबाल आ गया है तो मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। इससे हमारा बेसन और दही कुछ भी नहीं फटेगा और ये बहुत अच्छे फ्लेवर में आएगी। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये कितनी बढ़िया लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी हमारी ये टेस्टी सी कटहल की कढ़ी। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसमें पकने वाली खुशबू आ रही है किचन में, और मैंने साइड में चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। अब ये जो पकौड़े बचे हैं, देखिए आप मैंने कितने ढेर सारे बनाए थे और ये कितने कम बचे हुए हैं यहाँ पर। तो ये बचे हुए पकौड़े मैं इस कढ़ी में डाल रही हूँ, और लीजिए हमारा लंच भी तैयार हो गया है। तो दो तरीके से कटहल को हमने खा लिया, और ख़ास तौर से ये जो
कढ़ी है ना कटहल की, ये उनके लिए है जो कटहल के बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, या कह लीजिए जो कटहल प्रेमी होते हैं भाई, जिनको कटहल हर हाल में अच्छा लगता है। और जिनको नहीं अच्छा लगता है उन्हें भी ये कढ़ी आप दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरी बिटिया रानी को कटहल की पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, सब्ज़ी कुछ खास अच्छी नहीं लगती है, पर आज कटहल की जो कढ़ी बनी है ना उन्होंने भी बहुत स्वाद से खाई है कि ये तो मम्मा बहुत टेस्टी बनी है। अब इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो पैन में लेंगे थोड़ा सा तेल, आप यहाँ पर घी या बटर भी ले सकते हैं। जीरा डाल दिया मैंने, साथ में डाल दिया है हींग थोड़ी सी, सूखी एक मिर्ची थी उसको मैंने दो टुकड़ों में कट करके इस तरह से तोड़ कर डाल दिया। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है उसको इस तरह से कट करके डाला। मैंने अदरक की 2 से 4 कलियाँ ली थी वो डाल दी हैं यहाँ पर। लहसुन डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया और उसको इस तरह से लच्छे में कट करके डाल दिया। इस तरह से आप तड़का लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल होटल वाली, जो होटल में कढ़ी मिलती है, ढाबे पर मिलती है, वही कढ़ी का टेस्ट आएगा और आप अपने घर में उस कढ़ी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्याज को बहुत अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने बचाकर करी पत्ता की लिप्स रखी हुई थी उसको डाल दिया मैंने। और लीजिए हमारा प्याज भुन गया है अच्छे से, तड़का रेडी है और कढ़ी के ऊपर इस तरह से तड़का डाल दीजिए। लग रही है ना आपको बिल्कुल ढाबे वाली वही कढ़ी जो हम ढाबे पर खाते हैं। तो तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद बढ़िया सा लीजिए हमारी कटहल की कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर ये टेस्टी सी कटहल की कढ़ी आपको पसंद आए ना तो एक लाइक एक शेयर, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक फॉलो ज़रूर कर लेना।